Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the first poem of 7th grade honeycomb book, The Squirrel. So before I start the poem, I just wanted to say something about the nature. हम लोग की लाइफ आजकल जो है ना वो बहुत बिजी है और हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम क्या करें, नेचर को वॉच करें. नेचर को वॉच करने का भी टाइम हमारे पास नहीं है. एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल. अगर हम देखें तो नेचर की हर एक क्रिएचर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, चाहे वो एक इंसेक्ट हो, चाहे वो एक ट्री हो, चाहे कुछ भी हो. दे हैव देयर ओन ब्यूटी एंड वी डोंट गेट टाइम टू वॉच ऑल दीज थिंग्स, यू नो. तो जो ये पोएम्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमें थोड़ी सी नेचर के करीब लेके जाती है. जैसे कि हमारी ये पोएम जो है वो किसके बारे में है, एक स्क्विरल के बारे में है, गिलहरी के बारे में है. पोएट जो है वो हमें बता रहे इस पोएम में कि एक वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक स्क्विरल के लिए. अ वेरी शॉर्ट पोएम ऑफ वेरी फ्यू लाइन्स, बट इट इज़ रिटन वेरी ब्यूटिफुली. ओके, सो लेट्स सी व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट. The poet Mildred Bowers Armstrong was a poet who write kids poems. तो ये क्या करते हैं, बच्चों के लिए poems लिखते हैं, ठीक है. Squirrel is her most popular poem. Squirrel इनकी सबसे popular poem है, बहुत ही popular है, because इन्होंने इसमें squirrel को, एक छोटी सी गिलहरी को, बहुत ही beautiful way में उसको describe किया है. While in college, she contributed poems to a Chicago newspaper. जब वो कॉलेज में हुआ करती थी तो वो क्या करती थी, वो पोएम्स, छोटी छोटी पोएम्स लिख करके और वो शिकागो के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया करती थी. और बाद में अंडर द बाइलाइन ट्विस्ट और स्मोक, और यही उनकी पहली बुक का टाइटल भी है. तो उनका जो भी पोएम जो आता था वो किस में रहता था, ट्विस्ट और स्मोक में रहता था, और यही उनकी फर्स्ट बुक की टाइटल भी है. ओके, so just see, just let's start with the poem. So the squirrel is a short poem consisting of just six lines. Sirf 6 lines ki poem hai squirrel. In this poem the poet talks about the squirrel which we often find on the trees in parks. To squirrel to sabne dekhi hogi क्योंकि वो कहीं भी दिख जाती हैं. एक ऐसा एनिमल होता है, एक ऐसा क्रिएचर होता है जो बहुत ही देखने से ही बहुत नॉटी जैसा लगता है और बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी से कहीं भी भाग के चला जाएगा. ओके, द पोएट प्रेजेस इट्स लुक्स एंड देन सेज दैट इफ वी गो क्लोजर टू इट इट रन्स अवे. तो उसके लुक्स को पहले वो प्रेज करते हैं पोएम में और फिर बताते हैं कि कैसे वो नॉटी है और उसके पास जाने से वो कैसे भाग जाता है. आंखें जो हैं वो बहुत प्यारी प्यारी होती हैं, ऐसे देखेगा हमें दूर से, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाएंगे क्या करता है, वो भाग जाता है. ओके, सो फर्स्ट वी विल रिसाइट द पोएम, देन वी विल गो विद द एक्सप्लेनेशंस. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. It's a very small poem, so we will recite it once again. Okay? He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. So, a very beautiful poem, just of 6 lines. Just, we'll go with the explanation. Pehle 3 lines jo hain, wo hain. He wore a question mark for tail. Uski jo tail hai, wo kaisi hoti hai? Dekhne se question mark ke jaisi hoti hai. I will just show you. In this picture it is not clear, but just see in this picture. It is very clear. It is just like a question mark. Okay, you can just see it is a question mark. Okay, so he wore a question mark for tail. To uski tail kaisi hoti hai? Question mark ke jaisi hoti hai. Yahan pe tail ko kis se compare kiya hai? Ek question mark se compare kiya hai. An overcoat of grey. और जो इसकी जो बॉडी है उस कैसी होती है, उसके ऊपर बहुत सारे फर होते हैं, ठीक है, फर. और कोट किससे बना होता है, वो भी फर से बना होता है.
तो बोल रहा है कि उसका जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क के जैसा है, और जो कोट है वो किससे, उसकी जो बॉडी है वो कैसी लगती है, जैसे कि उसने एक फर की ओवरकोट पहनी हुई है, एक फर की ओवरकोट पहनी हुई है ऐसा लगता है. सो हिज बॉडी इज कंपेयर टू अ कोट, ओवरकोट से कंपेयर किया गया है, टेल को कंपेयर किया है क्वेश्चन मार्क से, और बॉडी को कंपेयर किया है ओवरकोट से. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो कैसे बैठ के खाता है नट, जब भी उसे खाना होता है नट तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के खाता है, एकदम सीधा घर बैठ जाता है और फिर वो धीरे धीरे से नट को खाता है. ओके, ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, तो उसे क्या अच्छा लगता है, टीज करना, खेलना, बहुत ही नॉटी टाइप का होता है स्क्विरल, और उसे खेलना टीज करना जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है. ठीक है, देखने से ही उसकी आंखें ही है जो होती हैं ऐसी होती हैं, आईज जो होती है उसकी ऐसी होती है जैसे कि वो बहुत एक बच्चे की आंख जैसे, जैसे बच्चे की आंख शरारत से भरी होती है वैसी ही गिलहरी की भी आंखें, स्क्विरल की भी आंखें जो है वो एकदम शरारत से भरी होती है. तो ही लाइक टू टीज एंड प्ले, क्या अच्छा लगता है उसको, टीज करना, इरिटेट करना और खेलना अच्छा लगता है. और जब हम उसके तरफ जाते हैं एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, वो जिस पेड़ पे बैठा है अगर हम उसके पेड़ के पास भी जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, ही वेंट द अदर वे, तो वो फुदक के दूसरी जगह भाग जाता है. ओके, तो वो क्या करता है, वो जस्ट फुदक के दूसरी जगह भाग जाता है. सो अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम ऑफ 6 लाइन्स. इन द फर्स्ट लाइन, इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ही इज डिस्क्राइबिंग द squirrel, and in the second and the last 3 lines he is telling what a squirrel does. एक बहुत ही खूबसूरत poem है जिसमें first 3 lines में वो describe करता है कि एक squirrel कैसा दिखता है, और फिर उसके बाद next 3 lines में वो बताता है कि उसकी activity क्या होती है, वो क्या करता है. बहुत ही naughty होता है, tease करता है, खेलता रहता है, फुदकता रहता है, और जैसे ही हम उसके पास जाएंगे वो क्या करेगा, वो भाग जाता है. Okay, so let's see the summary of the poem. Summary hai, the squirrel is a poem written by Mildred Brown Armstrong. I have already told you this. It describes the look and the mannerism of a squirrel. Ek squirrel ki look ko aur uski activities ko describe karta hai. Wo kaisa dikhta hai aur uski activities kya hai, ye describe karta hai. The poet says that the squirrel's tail is curvy and resembles a question mark. और पोएट क्या बोल रहा है कि जो स्क्विरल है उसकी टेल कैसी होती है, कर्वी होती है, और वो एक क्वेश्चन मार्क के जैसी होती है. इट्स बॉडी बीइंग ग्रे, इट लुक्स एज इफ ही इज वेयरिंग अ कोट, अ ग्रे ओवर कोट, और उसकी बॉडी जो है वो ग्रे कलर की होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ फर, सो इट लुक्स लाइक ही इज वेयरिंग अ कोट ऑफ फर, कोट मेड ऑफ फर. ओके, द स्क्विरल लव्स नट्स, और स्क्विरल क्या करता है, नट्स उसे बहुत पसंद है, बादाम जो होते हैं वो उसे बहुत पसंद है. एंड इट ऑलवेज सिट्स अपराइट वाइल कंज्यूमिंग वन, और वो कभी भी कैसे बैठ के खाता है बादाम, एकदम स्ट्रेट बैठ करके वो बादाम खाता है, नट्स जो है उनको वो एकदम स्ट्रेट बैठेगा तब खाएगा. मोर ओवर इट ऑल्सो लाइक्स टू प्ले विद द नट्स, और वो क्या करता है, उस नट्स के साथ सिर्फ खाता नहीं है, उसके साथ खेलता भी है, पहले खाने से पहले उसके साथ खेलता भी है. Since the squirrels are easily startled and are quick to move, तो squirrels जो होते हैं बहुत ही जल्दी जो हैं अचानक अगर कोई उनके पास जाए तो अचानक से वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं. ठीक है, तो ये जो हैं बहुत ही quickly move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. It is quite difficult to approach them, इसीलिए उनको पकड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है. ये बहुत ही, जैसे ही हम उनके थोड़े भी नज़दीक जाएंगे और उन्हें लगेगा कि कोई मेरे पास आ रहा है, वो क्या करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं और भाग जाते हैं, तो उनको पकड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है. सो व्हेन द पोएट एंड हर फ्रेंड्स रैन अराउंड द ट्री, तो जब पोएट और उसके फ्रेंड्स जो हैं पेड़ के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं उसको देखने के लिए या फिर उसकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, तो उसे लगता है कि वो मेरे पास आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए. Where the squirrel lived and it always made a point to disappear through the other way. और इसीलिए उसे लगेगा कि वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो क्या करता है, वो दूसरी तरफ भाग के चला जाता है. So this is all about the poem. बस इतना ही है इस poem में जो ये बताना चाहते हैं.
सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है कि द हैप्पी एंड लाइवली स्क्विरल लव्स टू प्ले विथ पोएट एंड हर फ्रेंड्स. ओके, तो जो ये स्क्विरल है ये एकदम एक बच्चे की तरह, एक बहुत ही फुर्तीला शैतान बच्चा जो होता है, ठीक है ना, उसके जैसा होता है और उसे खेलना बहुत पसंद है. ही लव्स टू प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स. द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ स्क्विरल. और बस थीम जो है, सेंट्रल आइडिया जो पोएम की है कि एक स्क्विरल कैसा होता है. शी टेल्स अस द नेचर ऑफ द स्क्विरल दैट इज इनोसेंटली नॉटी, जो बहुत ही मासूम और बहुत ही नॉटी नेचर का होता है, एकदम एक छोटे से मासूम से बच्चे के जैसा. एंड लाइक्स टू टेज एनी वन हु कम्स नियर हिम, और सबको जो भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है उसको टीज करना और इरिटेट करना उसे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन आप थोड़ा सा भी उसके नज़दीक जाओगे तो वो भागने की तैयारी में रहता है. ओके, नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट द राइमिंग स्कीम इज. राइमिंग स्कीम क्या होता है? कोई भी पोएम जब हम लिखते हैं तो वो एक रिदम में होता है, लिरिकल होता है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी. और स्टोरी से डिफरेंट वो होता है कि हम पोएम को सिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो लिरिकल फॉर्म में होता है. और ये लिरिक्स जो होते हैं उनको कैसे मिलता है? थ्रू द राइमिंग वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ लाइन्स. और इनको यूज़ करने का एक जो पैटर्न होता है दैट इज़ कॉल्ड द राइमिंग स्कीम. तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम हम देखते हैं. और राइमिंग स्कीम देखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले पोएम की लास्ट लाइन को देख, लास्ट वर्ड को देखते हैं, हर एक लाइन के लास्ट वर्ड. तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का वो है टेल, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है वो है ग्रे, देन इट इज़ नट, देन इट इज़ प्ले, देन इट इज़ ट्री, वे, स्क्विरल, सॉरी. सो दिस इज ऑल. सो फर्स्ट को हम सपोज हम जैसे कि हम मैथ्स में मान लेते हैं, है ना, एल्जेब्रा में हम मान लेते हैं कोई भी चीज़ को एक्स एंड वाई, तो हम फर्स्ट वाले को मान लेते हैं ए. अब टेल है, नेक्स्ट वर्ड ग्रे है, तो टेल और ग्रे तो राइम नहीं कर रहे हैं, वो तो राइम नहीं कर रहे हैं, तो हम सपोज इसको मान लेते हैं बी. उसके बाद है नट. अब ए बी ये भी ना कोई राइम नहीं कर रहा, ना टेल के साथ राइम कर रहा है, ना ग्रे के साथ राइम कर रहा है, तो इसको भी हम मान लेते हैं सी. नाउ कम टू द फोर्थ वर्ड प्ले. नाउ प्ले राइम्स विद ग्रे. प्ले किसके साथ राइम कर रहा है? ग्रे के साथ राइम कर रहा है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? वी विल राइट इट बी. ओके, नाउ जस्ट सी ट्री. ट्री, अब इन सब में से किसी के साथ भी ट्री राइम नहीं कर रहा है, तो वी विल राइट इट डी. Now the next word is way. So way किसके साथ rhyme कर रहा है? It is rhyming with grey and play. So again we will write it B. Okay? So we can see that the rhyming scheme of the poem The Squirrel is A B C B D B. A B C B D B. ये जो है ये poem की rhyming scheme है. Poetic devices. Now, what is poetic devices? Poetic devices क्या होता है? Poem या story, जब कोई भी writer, author या poet कोई poem या story लिखते हैं तो वो क्या करते हैं? उसमें वो beautiful words use करते हैं ताकि story जो है वो सबको पढ़ने में अच्छी लगे, ठीक है. हम क्या करते हैं, अगर कोई person है उसको अच्छा लगना है, सुंदर लगना है, तो क्या करते हैं कि वो लोग jewelry पहनते हैं. तो ये जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, दीज आर द ज्वेलरी ऑफ द पोएम. दीज आर द ज्वेलरी ऑफ द पोएम. पोएम की ये ज्वेलरी होती हैं विच मेक द पोएम ब्यूटिफुल. ओके, सो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की गई हैं, कुछ वर्ड्स इस तरह से यूज़ किए गए हैं जो पोएम को क्या करते हैं? ब्यूटिफुल बनाते हैं. तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज़ किया है वो है पर्सोनिफिकेशन. यानी एक गिलहरी को पोएट ने क्या बताया है कि वो एक पर्सन है. एक गिलहरी को क्या बताया है? एक उसकी पर्सोनिफाई की है. और ये हमें किस लाइन से पता चलता है? हम लोग फॉर अ फॉर एनी एनिमल व्हाट डू वी राइट? वी राइट इट. पोएम एक एनिमल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट. बट हम पोएम में देखेंगे, वी विल जस्ट सी इन द पोएम, जस्ट सी द पोएम, ही हैज रिटन ही.
उसने स्क्विरल के लिए क्या यूज किया है, ही पोएट ने स्क्विरल के लिए ही यूज किया है, दैट मीन्स वो उसको एज अ पर्सन दिखाना चाह रही है, नॉट लाइक एन एनिमल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्विरल को पर्सोनिफाई किया गया है, स्क्विरल को एक ह्यूमन बीइंग के जैसे बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द स्क्विरल बाय यूजिंग ही इंस्टेड ऑफ इट फॉर हिम, उसको ही बताया है ना कि इट, उसे एक एनिमल नहीं बता के एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रही है इन द पोएम। सो दिस देयर इज पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। नेक्स्ट है एलिटरेशन। अगर एक पोएम में कुछ वर्ड्स, सर्टेन कॉन्सोनेंट वर्ड्स के बार 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 रिपीटेशन होते हैं तो इसको कहा जाता है एलिटरेशन, इट इज ऑल्सो अ पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पे भी एलिटरेशन यूज हुआ है, देर इज अ रिपीटेशन ऑफ लेटर एस इन सैट अप स्ट्रेट। जब हम पोएम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हुए हैं, जैसे कि ये देखिए सैट अप स्ट्रेट, ओके, एस एस, एस एस जो है इट हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस, सो दिस इज द एलिटरेशन। नेक्स्ट इज सिमिली, फिर उसके बाद सिमिली यूज किया गया है। सिमिली क्या होता है, सिमिली जो है अगर कोई चीज को हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं किसी चीज से तो हम उसे सिमिली कहते हैं। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, पहली लाइन जो है पोएम की वो क्या है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, इस पोएम इसमें क्या किया है, उसने टेल को क्वेश्चन मार्क बताया है। क्या बोला है पोएम पोएट ने, कि उसकी टेल जो है वो कैसी है, क्वेश्चन मार्क के जैसी है। तो ये जो है ये डायरेक्टली क्या कंपेयर कर रही है, टेल को क्वेश्चन मार्क से कंपेयर कर रही है। सो देयर इज अ सिमिली इन दिस, हियर टेल इज कंपेयर टू द क्वेश्चन मार्क, सो देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द टू थिंग्स एंड दैट इज व्हाई इट इज सिमिली इज यूज्ड। ओके, नाउ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, सिमिली के जैसा ही होता है बट द कंपैरिजन इज इनडायरेक्ट, जैसे कि हमारी पोएट ने सेकेंड लाइन में यूज किया है एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, एन ओवर कोट ऑफ ग्रे यानी कि ओवर ग्रे कलर की ओवर कोट। तो हमें ये नहीं बताया है कि ग्रे कलर की ओवर कोट बताया है कि स्क्विरल ने पहना है, लेकिन हमने उसमें क्या किया, इमेजिन किया कि हाँ स्क्विरल का जो फर है वो ग्रे कलर का होता है और वो कोट के जैसा होता है, इसीलिए वो उसकी बॉडी को बोल रही है। अगर वो ओवर कोट ऑफ ग्रे बोल रही है तो इसका मतलब कि स्क्विरल की बॉडी। तो इसे हम, ये बताया नहीं है हमें पोएट ने, हमने क्या किया, इमेजिन किया कि पोएट की स्क्विरल की बॉडी इज कंपेयर टू द ओवर कोट ऑफ ग्रे। तो जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जहां हमें इमेजिन करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि किस चीज से किस चीज को कंपेयर किया गया है, तो उसे कहते हैं मेटाफर। ओके, सो स्क्विरल जो है इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बॉडी ऑफ द स्क्विरल विथ फर, सो देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, सो मेटाफर इज यूज्ड। सो व्हाट पोएटिक डिवाइसेस पोएट हैज यूज्ड टू मेक द पोएम ब्यूटीफुल, शी हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, सी हैज यूज्ड एलिटरेशन, सिमिली एंड मेटाफर। ये सारी चीजें उसने यूज की है ताकि पोएम जो है वो कैसी दिखे, ब्यूटीफुल लगे, ठीक है, पढ़ने में सबको अच्छी लगे। ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। समरी कर लिया, थीम भी मैंने बता दिया, आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट, पोएटिक डिवाइसेस भी कर लिए, राइमिंग स्कीम भी कर लिया, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स वर्किंग विद द पोएम है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट से दैट द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ द स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। तो पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि स्क्विरल की टेल जो होती है वो कैसी होती है, क्वेश्चन मार्क के जैसी होती है, ठीक है, एज द टेल ऑफ द स्क्विरल कर्ल्ड इन अ वे दैट इट अपीयर्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। तो वो किसके जैसी लग रही है, क्वेश्चन मार्क के जैसी लग रही है, इसलिए तो फिर हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, कैसे तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे इसकी टेल को, तो ऑब्वियसली हम भी उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब इट एज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट रियली लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। आई हैड ऑलरेडी शोन यू इन वन ऑफ द पिक्चर्स, वी कैन सी
इट्स रियली लाइक क्वेश्चन मार्क, सो वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब इट लाइक अ क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? वॉट डू वी से? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज यूज इन डिफरेंट वेज. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेयर्स अ टेल, ही इज वेयरिंग अ टेल. वेयर का मतलब क्या होता है? पहनना. तो उसने क्या किया है? टेल को पहना है ना. लेकिन हम क्या ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, इट इज अ पोएटिक लैंग्वेज. वेयर्स अ टेल क्या है? पोएटिक लैंग्वेज है. पोएटिक डिवाइस जो मैंने आपको बताया था, पोएट को, पोएम को ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती हैं. तो वेयर्स अ टेल जो है वो क्या है? पोएटिक डिवाइस है. नॉर्मली, यूजुअली हम लोग जब ऐसे सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नो, वी यूजुअली डोंट से एन एनिमल वेयर्स अ टेल. इंस्टेड वी से दैट एनिमल हैज अ टेल. हम क्या बोलते हैं? कि एनिमल की टेल होती है. हम ये नहीं कहते हैं कि एनिमल वेयर्स अ टेल. ओके, तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, द वर्ड वेयर इज यूज टू मीन समथिंग दैट इज यूज टू कवर, यानी कि पहनने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी वेयर क्लोथ्स. लेकिन यहाँ पे वेयर जो है वो टेल के लिए यूज किया गया है. एंड नॉर्मल लाइन्स में हम बोलते हैं कि द पर्टिकुलर एनिमल हैज अ टेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही लाइक टू टीज एंड प्ले. हु इज टीजिंग हुम एंड हाउ? तो ही लाइक टू टीज एंड प्ले. हियर द पोएट इज टीजिंग द स्क्विरल. द पोएट विल अप्रोच द स्क्विरल. एज सून एज ही नियर्स द स्क्विरल, इट रन्स अवे इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. सो यहाँ पे क्या है? ही लाइक टू टीज एंड प्ले. यहाँ पे पोएट इज टीजिंग द स्क्विरल एंड एज सून एज द पोएट गोज नियर द स्क्विरल रन्स अवे. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड टुमोरो वी विल कम विथ अगेन अ न्यू चैप्टर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड.